गुड मॉर्निंग हरे कृष्णा. टुडे वी विल रीड लेसन नंबर 5. द नेम ऑफ द चैप्टर इज माय फैमिली. माय मतलब मेरा और फैमिली मतलब परिवार. मेरा परिवार. लेट्स फाइंड आउट. चलिए पता करते हैं. हु ऑल मेक अ फैमिली. कौन सब मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं. हाउ डूज फैमिली डिफर फ्रॉम वन अनदर. किस प्रकार परिवार एक दूसरे से अलग रहते हैं. व्हाट इज़ द कॉमन टू ऑल द फैमिली. सभी परिवारों में एक कॉमन चीज़ क्या है. व्हाट डू चिल्ड्रन गेट फ्रॉम देयर फैमिली. बच्चे अपनी फैमिली से क्या पाते हैं. हाउ डू डिफरेंट फैमिली मेम्बर डिवाइड द वर्क टू हेल्प वन अनदर. किस प्रकार फैमिली के जो मेंबर रहते हैं अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, जिस प्रकार जिससे वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें. ये सब मेन पॉइंट हैं इस चैप्टर के जो हम आज डिस्कस करेंगे इस लेसन में, जिसका नाम है माय फैमिली. नाउ एवरीवन सी इन योर बुक प्रॉपरली. पीपल लिविंग टुगेदर इन अ हाउस मेक अ फैमिली. टुगेदर मतलब साथ साथ, लिविंग मतलब रहना. लोग साथ साथ रहते हैं घर में और क्या बनती है, जिससे एक फैमिली बनती है. मोस्ट ऑफ द फैमिली हैव अ मदर अ फादर एंड देयर चिल्ड्रन. अधिकतर फैमिलियों में क्या रहता है, एक उनकी एक मम्मी रहती है, पापा रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं. अदर मे हैव अ ग्रैंड मदर एंड अ ग्रैंड फादर ऑल्सो. और बहुत से दूसरे इसमें ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर भी होते हैं. ग्रैंड मदर मतलब दादी और ग्रैंड फादर मतलब दादाजी. ठीक है. ऑल फैमिलीज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सारे जो परिवार रहते हैं, ऑल फैमिलीज क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं. बट ऑल फैमिली लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन. लेकिन सभी परिवारों में एक कॉमन चीज़ क्या होती है, लव मतलब प्रेम प्यार, एंड केयर मतलब एक दूसरे के लिए केयर करना, देखभाल करना. सब जो फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं. एक फैमिली पिक्चर इधर बना हुआ है, देखो. मम्मी पापा हैं, उनके दोनों बच्चे हैं, दादाजी दादी जी और अंकल और आंटी हैं. इस तरह की फैमिली क्या कहलाती है, इस तरह की फैमिली कहलाती है जॉइंट फैमिली. लर्न द पोएम एंड सिंग इट विथ योर फ्रेंड. फैमिलीज आर बिग फैमिलीज और स्मॉल. फैमिलीज बिग मतलब बड़ी होती हैं, फैमिली स्मॉल मतलब छोटी होती हैं. लिविंग इन अ बिग हाउस और नन एट ऑल. बहुत बड़े घरों में रहती हैं या नहीं भी रहती हैं. बट वन थिंग इज कॉमन, एक चीज़ है उनमें कॉमन. इन ऑल ऑफ देम इन डीड, उन सभी में निश्चित रूप से दे लव देयर चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. एंड ट्राई टू फुलफिल देयर नीड. और उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिशें करते हैं, है ना. नाउ स्टूडेंट रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन थैंक यू. हरे कृष्णा.